अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डी वाइज के आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास बेसिकली पोर्शन तो यही है फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव वाला, लेकिन इसके अंदर आज के लेक्चर में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आप लेक्चर को आखिर तक देख रहे हैं, शार्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लेक्चर को आखिर तक देख रहे हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट में जब भी कोई लेक्चर लेकर तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 के ए बार की बात करें, कहता है फंक्शन दियो y प्राइम व्हिच इज इक्वल टू x। बेसिकली जो उसमें हमने फाइंड क्या करना है, कहता है कि आपने उसको उसने जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि इसका बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन कौन सा, वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेके ये हमारे पास आया है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स है तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो एक्स आता है। ऑब्वियसली ये चीज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, बाय इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया होगा तो फिर जो है ना वो हमारे पास ये वाला फंक्शन आया होगा। लेकिन बेसिकली आपने क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं करनी, आपने इंटीग्रेशन जस्ट जो है वो रफ अमल में कर सकते हैं, जस्ट जो है वो अपना आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ये जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल शार्ट है, इसके अंदर सिर्फ आपने आंसर देना है अपनी तरफ से सोच के। आपने जस्ट आंसर बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो है वो वाई प्राइम इज इक्वल एक्स, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम अपनी आसानी के लिए हम सेपरेट जो है वो रफ में इंटीग्रेशन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको समझ आती है आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर इंटीग्रेशन ही करनी, वो जस्ट आप रफ अमल में उसको कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैं इसकी बात करूं, मैं अगर इंटीग्रेशन लेता हूं, यहां पर इंटीग्रेशन लेता हूं तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, वाई बचा वाई विच इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन लेगा तो इसकी पावर में आ जाएगा एक्स की पावर टू और वही बटन में आ जाता है एक्स की पावर टू ओवर टू, ठीक है जी, प्लस सी प्लस हमारे पास कुछ कांस्टेंट सी आता है। तो ये है जी इसका डेरिवेटिव, ये है जी इसका बेसिकली वो वाला फंक्शन जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव है तो ये फंक्शन आएगा। अब इसका डेरिवेटिव है तो वाई प्राइम, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका डेरिवेटिव टू एक्स पीछे आ जाएगा, टू टू से कैंसिल एक्स बच जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट है तो सी का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो ही होता है। तो हमारे पास ये वाला जो है वो फंक्शन आ चुका बेसिकली ये वाला फंक्शन, ये जस्ट आपने जो है उसको रफ के लिए करना है, जस्ट आपने ये इसका आंसर लिखना है। ये मैंने रफ के लिए किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हम लोग जो है वो 31 के बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में जी हमारे पास देखिए क्या कहते हैं, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा जी वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जी हमारे पास इंटीग्रेशन में एक पावर में ऐड हो जाता है एक्स की पावर टू प्लस वन तो थ्री और वही चीज बटे में आती है ओवर थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, ये है जी इसका आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपने क्वेश्चन में नहीं करी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका सिंपल आंसर ये आपने लिख देना है, सेपरेट इंटीग्रेशन करके यहाँ पे आंसर लिख दें, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हम इसका आंसर आ चुका है, तो यहां पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि ये वाला जो काम है ये रफ अमल में करना, आपने रफ करना है आपने, ये भी आपने जो है ना इंटीग्रेशन वाला अमल रफ के लिए रखा हुआ मैंने, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 31 का सी पार्ट, 31 के सी पार्ट में कहता है जी वाई प्राइम विच इज इक्वल एक्स क्यूब, ये सिंपल से क्वेश्चन है, एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली एक्स की पावर में एक करेंगे ऐड करेंगे तो फोर हो जाएगा एक्स पावर फोर ओवर फोर प्लस सी, जिस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं तो इसका आंसर भी फिर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर ओवर फोर प्लस सी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का ए बी एंड सी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ए बी एंड सी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है वाई प्राइम इक्वल टू टू एक्स, हमारे पास है जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू टू एक्स। अब जो है ना वो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, भाई इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्राइम इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स, तो ये बनेगा वाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टू तो वैसे के वैसे आ जाएगा, एक्स की पावर में एड करेंगे टू बन जाएगा, बटे में भी टू आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, वाई विच इज इक्वल टू टू से कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस सी,
जी हमारे पास इसका आंसर आ गया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, c का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। ठीक है जी, ये काम आपने करना है जी रफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। 32 के बी पार्ट में कहता है y प्राइम इज इक्वल टू 2x - 1। 2x - 1 इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में इसकी इंडिकेशन लेके चेक करते हैं। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 y विच इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2x की पावर में 2 जगह बटन में भी 2 आ जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है x। अब देखें जी 2 2 से कैंसिल, तो y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस समथिंग c, कॉन्स्टेंट लिख लें, यहाँ पे लिख लें जी, ये है जी हमारे पास फाइनल आंसर। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x - 1 आ जाएगा, 2x - 1। ठीक है जी, ये काम आपका रफ के लिए है। ओके जी, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट, इसी तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 32 के सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में क्या कहते हैं जी, वाई प्राइम इज इक्वल टू 3x² वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 3x का स्केयर प्लस 2x - 1 प्लस 2x - 1, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखें जी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, y विच इज इक्वल टू, या हमें डायरेक्ट ही कर देते हैं, x की पावर में 1 जाना वो ऐड करेंगे तो x की पावर 3/3 बन जाएगा, या पे x की पावर में 1 ऐड करेंगे x की पावर 2/2 बन जाएगा, माइनस x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो y विच इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो गया, या पे बचा x की पावर 3 प्लस 2 से कैंसिल, x का स्क्वायर माइनस x प्लस c, ये है जी हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x - 1, ये हमारे पास इसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, ये काम रफ के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 के ए पार्ट की बात करते हैं। 33 के ए पार्ट में कहता है y प्राइम इज इक्वल टू -1/x² -1/x² इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस एक्स के ऊपर ले जाएं, माइनस एक्स की पावर -2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसकी इंटीग्रेशन ले लें, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, y विच इज इक्वल टू माइनस, वैसे ही आ गया x की पावर में माइनस किया तो -2 + 1 होगा -1, ये चीज बटन में आ जाएगी प्लस c आ जाएगा। y विच इज इक्वल टू x की पावर माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 लिख सकते हैं 1/x प्लस c, ये है जी हमारे पास इसका आंसर। यानी कि 1/x का डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है जी -1/x का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 33 इसके बी पार्ट की बात करते हैं। 33 का बी पार्ट क्या कहता है जी, y प्राइम 1 - 1/x² 1 - 1/x² देखें जी, इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या होगा, इसको आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखें -1/x² का भी हमने यहां पे निकाला, वो बना हमारे पास 1/x + c, तो उसको तो वैसे लिखे ना पहले, y विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे वैसे लिखे ये वाला 1/x + c, इसकी जगह पे 1 किसका डेरिवेटिव, तो x का, ऑब्वियसली x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पीछे लिख लें x, x माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी प्लस, तो ये x प्लस 1/x + c, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², c का डेरिवेटिव 0 है, ये हमारे पास का आंसर आ चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास 33 का सी पार्ट। 33 के सी पार्ट की बात करते हैं, उसमें जी हमारे पास y प्राइम 5 + 1/x², ये हमारे पास देख लेते हैं जी, 5 + 1/x², इसका जो है ना वो निकालें जी हमारे पास कैसे होगा, क्या आंसर होगा, यहाँ पे सिंपल जनाब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास 5 किसका डेरिवेटिव होगा, 5x का, देखिए ना 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5, क्योंकि x 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद जी 1/x², यहाँ पे था -1/x², -1/x² किसका डेरिवेटिव था, 1/x + c का, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो अगर यहाँ पे साइन चेंज है तो फिर यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं तो माइनस आएगा, -1/x + c, यानी कि दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे -1/x² था उसका आंसर ये था, लेकिन यहाँ पे +1/x² तो उसका आंसर इसके साथ माइनस होगा, -1/x + c, सिंपल इजी। अब देखें जी ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का सी पार्ट, सारे पार्ट मैंने क्लियर जो है आपको करवाया था कि आपको चाहे एवरी कंसेप्ट समझ आए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जी, ए पार्ट में कहता है वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इनटू स्क्वायर रूट x, इसको आप लोग जाने वैसे भी लिख सकते हैं वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नीचे x की पावर 1/2, ऊपर जाकर बन जाएगा x की पावर -1/2, यहां भी इसकी इंटीग्रेशन कर लें, यहां भी इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी y विच इज इक्वल टू, अब 1 ओवर 2 तो आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर में प्लस करेंगे, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x की पावर -1/2 में प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 होगा 1/2, और बटे में भी 1/2 आ जाएगा, प्लस c बच जाएगा, तो y विच इज इक्वल टू, अब ये जो है ना वो 2 ऊपर आके ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जी आपके पास x की पावर 1/2, या लिख सकते हैं x का स्क्वायर रूट प्लस c, ये है जी आपके पास इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। बी पार्ट है जी हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x, देखते हैं जी y प्राइम 1 ओवर स्क्वायर रूट x, हां जी ये है जी हमारे पास, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखें जी यहां पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्राइम विच इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाए तो x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर लें यहां पे y विच इज इक्वल टू, इसकी पावर में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2, बटे में भी आ जाएगा 1/2 प्लस c, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा y विच इज इक्वल टू 2, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें प्लस c, ये है जी हमारे पास इसका आंसर। ये बेसिकली सारा काम आपके पास रफ है, ठीक है, यही आपने इसका आंसर लिखना है, ये काम आप रफ में कर सकते हैं। 34 का बी पार्ट भी हमने कर लिया, 34 के सी पार्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 34 के सी पार्ट की बात करते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास फंक्शन दिया 4x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, 4x माइनस 1 ओवर, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो यहां पे हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्राइम विच इज इक्वल टू 4x माइनस x की पावर, ऊपर आगे बन जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है जी। अब आप लोग जो है ना वो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं जी, इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें और इस तरह से कर लें, ये बनेगा y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा जी आपको 4x की पावर में 2, और डिवाइड भी 2 पे करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी हो गई, उसके बाद माइनस इसकी पावर में प्लस करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, बटे में भी 1/2 और प्लस सी आ जाएगा, ये बनेगा y विच इज इक्वल टू 2, इससे कैंसिल होगा तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 ऊपर आ गया तो 2 स्क्वायर रूट x, उसके बाद जी प्लस सी, ये जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का सी पार्ट। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करते हैं। देखिए जी 35 के पार्ट में कहता है जी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y प्राइम इज इक्वल टू sin 2t, अब sin का बेसिकली डेरिवेटिव तो होता है cos, cos sin का डेरिवेटिव तो cos, लेकिन sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस का cos, तो यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन के जरिए निकालते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे साइन 2t, ये बन जाएगा जी वाई विच इज इक्वल टू, साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कॉस 2t, अब ये जो हमारे पास एंगल है इसका जो डेरिवेटिव लेते हैं 2t है ना, हमारे पास एंगल है 2t, 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, उसी के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं प्लस सी कर देते हैं, ये हम जाना इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वाई विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी माइनस का 1/2 कॉस 2t प्लस सी, ये है जी इसका आंसर। इसके बाद 35 के बी पार्ट में कहता है जी आपके पास y प्राइम इज इक्वल टू cos 2t है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास sin, sin आपके पास जो है ना आएगा sin t by 2, और जो आपका इसका डेरिवेटिव t by 2 एंगल का डेरिवेटिव होगा 1/2, तो उसी के साथ आपको इसको डिवाइड करना होता है 1/2 प्लस c, तो y विच इज इक्वल टू 2 ऊपर आगे बन जाएगा 2 sin टी बाई 2 प्लस सी, ये जी इसका फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का सी पार्ट। देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 35 के सी पार्ट में कहते हैं जी वाई प्राइम विच इज इक्वल साइन 2 टी प्लस कॉस टी बाई 2 उसने दिया हुआ है, तो यहां पे जाना आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसकी भी इंटीग्रेशन कर लें, यहां पे जाना आपके पास है जी साइन 2 टी, उसके बाद यहां पे जी आपके पास कॉस टी बाई 2, तो ये बनेगा जी वाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन होती है जी बेसिकली माइनस का कॉस, माइनस कॉस 2t, अब 2t का डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद प्लस बनेगा, उसके बाद जो है ना वो कॉस की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, तो ये बनेगा जी आपके पास साइन टी बाई 2, और टी बाई 2 का डेरिवेटिव होता है जी 1/2, उसके साथ डिवाइड कर दें प्लस सी आ जाएगा, ये बनेगा जी वाई विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस 2t प्लस 2 ऊपर आ गया 2 साइन टी बाई 2
प्लस सी, ये आ गया जी हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का सी पार्ट। उसके बाद देखेंगे हमारे पास है जी 36 के ए पार्ट की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास है जी वाई प्राइम इज इक्वल टू सीकेंस के थीटा। अब कहते हैं जी बताएं सीकेंस के थीटा किसका डेरिवेटिव है, तो सिंपल है, हम जानते हैं कि टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंस के थीटा, कि टैन थीटा बराबर होता है सीकेंस के थीटा, किसका डेरिवेटिव है। तो हम सिंपल यहां पर लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सी, यही जो है ना उसका फंक्शन होगा, क्योंकि टैन का डेरिवेटिव तो सीकेंस के थीटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 36 के बी पार्ट में, क्या कहता है बी पार्ट में, कहता है जी y प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थीटा, y प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, देखें जी स्क्वायर रूट थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y प्राइम थीटा की पावर है जी 1/2। इंटीग्रेशन करते हैं यहां पे जाने इसकी इंटीग्रेशन लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा जी y व्हिच इज इक्वल टू उसकी पावर में प्लस करेंगे तो थीटा की पावर में 1/2 प्लस 1 किया तो वो बन जाएगा 3/2। लिखें जी 3/2, इसी के साथ डिवाइड करना है प्लस सी कर देना है, तो वाई विच इज इक्वल टू 2/3/2 के ऊपर आगे उल्टा हो जाएगा 2/3 बन जाएगा, थीटा की पावर 3/2 प्लस सी। ये जी हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट। नेक्स्ट है जी आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का सी पार्ट। ये जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 36 का सी पार्ट में कहता है y प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर। अब गौर से देखें क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 36 से बी पार्ट में था स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ थीटा किसका डेरिवेटिव था इसका, ये यहां पे पुट कर देंगे, और सेकेंड स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव है इसका टैन का, तो ये यहां पे पुट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल है इजी है। ये हमारे पास बनेगा जी y व्हिच इज इक्वल थीटा स्क्वायर रूट थीटा किसका डेरिवेटिव था इसका 2/3 थीटा की पावर 3/2। इसके बाद जी हमारे पास माइनस, तो यहां पे लिखिए माइनस सीकेंस के थीटा किसका डेरिवेटिव था टैन थीटा का, टैन थीटा। उसके बाद पास सी को कांस्टेंट लिख दें। ये जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 का सी पार्ट। सांस फूल गया भी बोल बोल के। लाजमी जनाब सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मैं इस तरह के लेक्चर जो अपने लिए आता रहता हूँ, अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अगर आप लोगों को इशू होता है, कोई मसला होता है, आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। हैंडेड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।